उनकी अपनी अपनी मांगे हैं, सबकी अपनी अपनी है, कुछ तो पॉलिटिकल भी है, मेन तो इसको पॉलिटिकल ही कह सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते। इलेक्शन सर पे है और उसका फायदा दूसरी पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है। यह तो गलत है ना, दिक्कत हो रही है बहुत सारी। आंदोलन कर रहे हो, थोड़ा साइड होके करो, आम आदमी को तो चलने दो ना उस चीज़ पे। पहले भी हुई थी, एक्सप्रेसवे पे भी हुआ था उस दिन, नोएडा में आने देने मना कर रहे थे सब। बहुत दिक्कत होती है सर, अब क्या कर सकते। देखिए इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ एक तरफ जो है किसान आंदोलन की सुरक्षा के मद्देनजर जो है वो यहाँ पर तमाम बैरिकेडिंग की गई है, मोटी लेयर जो है वो यहाँ पर सीमेंट की लगा दी गई है। लेकिन लोग जो यहाँ से रोजाना ट्रैवल करते हैं, आज तो इस फ्लाईओवर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कल किसान आंदोलन के दिन जो है यहाँ पर इसको भी जो है वो सुरक्षा के मद्देनजर बंद किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो लोग यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं उनसे यहाँ पर बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है इसको लेकर के, क्योंकि लोग लगातार यहाँ रुक रहे हैं, देख रहे हैं ऊपर से क्या हो रहा है। क्या नाम है आप? सर संदीप मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो यहीं यूपी। अच्छा, तो रूटीन में ट्रैवल करते हैं यहाँ से? हाँ जी जी। अच्छा, देख रहे हैं अभी नीचे आप यहाँ पर बैरिकेडिंग और मोटा सीमेंट की लेयर लगा दी गई। हाँ जी। आपको पता क्या हो रहा है? सर वो किसानों का आंदोलन होने वाला है, सुन रहे हैं कल से। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? किसानों का आंदोलन पिछली बार भी हुआ था, फिर से उनकी अपनी अपनी मांगे हैं, सबकी अपनी अपनी है, कुछ तो पॉलिटिकल भी है, मेन तो इसको पॉलिटिकल ही कह सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते। इलेक्शन सर पे है और उसका फायदा दूसरी पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है, और तो कुछ नहीं है। इससे आम लोगों को भी, आप तो यहीं के रहने वाले, पिछली बार भी परेशानी हुई। बार में मुझे याद है पूरे साल जो हमने डिस्टर्बेंस झेली है, हम देख रखे हैं पूरे साल, हम बहुत परेशान हुए हैं। यहाँ से घूम के जाना पड़ता था, बहुत अलग अलग घूमते, मतलब जो रास्ता हमें आधे घंटे एक घंटे का लगता वो मुझे दो दो घंटे यूज करने पड़ते थे। कहना चाहते हैं आंदोलनकारियों को? देखिए हमें कुछ नहीं है, अपनी मांगे अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए प्रदर्शन करना कोई जेनुइन बात नहीं है। या फिर प्रदर्शन करें तो एक स्पेसिफिक जगह करें, अब जैसे स्पेसिफिक जगह आप किसी को भी डिस्टर्ब करोगे वो सबके लिए बेकार है, किसी के लिए भी, क्योंकि आम पब्लिक वो भी है, आम पब्लिक हम भी है, पब्लिक तो सभी पब्लिक है ना, तो ये जरूरी है मेन। जी क्या नाम है? प्रकाश। एक बार हेलमेट ऊपर करिए। क्या नाम है? प्रकाश। कहाँ रहते हैं आप? मैं गाजियाबाद। तो यहाँ से मतलब रूटीन में ट्रैवल करते हैं? नहीं, आज ही आया हूँ मैं इस पर। ये फिर से किसान आंदोलन शुरू हो रहा है, उसी मद्देनजर रास्ते को बंद किया गया है नीचे, क्या कहेंगे? ये तो गलत है ना, दिक्कत हो रही है बहुत सारी। दिक्कत हो रही है लोगों को? और क्या, पिछली बार भी हुई थी जब किसान आंदोलन हुआ था, क्यों नहीं हो गया? आम आदमी को तो हो रही है ना दिक्कत इस चीज़ पे। आदमी को आंदोलन कर रहे हो, थोड़ा साइड होके करो, आम आदमी को तो चलने दो ना उस चीज़ पे। अब आम आदमी का काम धाम भी है, अब वो भी रुकेगा तो फिर कैसे बन जाएगा उसका, वो चीज नहीं बनता। पिछली बार भी कई महीनों तक चला था, उस समय भी काफी दिक्कत हुई। वो तो दिक्कत होगी ना सर, अब देख सक... समझने वाली बात है ना, अपने अपनी समझ की बात है वो। अब दंगे भी होंगे, वो भी अपने अपने समझ की बात है, वैसे तो है नहीं। यानी कि आंदोलन करना है तो एक स्पेसिफिक जगह कर सकते हैं लोगों के लिए, लोगों से बस थोड़ा हटके, कुछ भी हो सकता है उसमें। देखिए लोग जो आ रहे हैं वो लगातार रुक रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ क्या चल रहा है। जी क्या नाम है आपका? अनूप नाम है सर। कहाँ के रहते हैं? मैं इधर दिल्ली में रहता हूँ सर। दिल्ली, तो यहाँ से रूटीन में ट्रैवल कर? हाँ, ड्रीम में ऑनलाइन से वो है ना काम सर। अभी देख रहे हैं यहाँ पर फिर से बैरिकेडिंग लग गई है, किसान आंदोलन फिर से शुरू होने जा रहा है, उसके मतलब सर बहुत परेशानी हो रही है, क्या करें, परेशानी हो रही है हमें सबसे ज़्यादा, तो हमें परेशानी होती है सबसे ज़्यादा। आपको परेशानी? यस सर, क्योंकि पहले भी हुई थी, जाते हैं पहले भी हुई थी, एक्सप्रेसवे पे भी हुआ था उस दिन, नोएडा में आने देने मना कर रहे थे सब। बहुत दिक्कत होती है सर, अब क्या कर सकते हैं, फिर से दिक्कत होगी, फिर से दिक्कत होगी। अब क्या कहना चाहते हैं ये आंदोलनों को लेकर के, लगातार अब दिल्ली को तो ऐसे हब बना दिया कि रोक देते हैं सभी बॉर्डर, परमानेंट के लिए बंद कर रहे हैं ये तो। सीमेंट पूरा मोटी, 2 फीट मोटी लेयर लगा दी गई है, ये तो बात है सर, बहुत गलत कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं जो आंदोलन कर रहे हैं उनको, क्या कहना चाहते हैं? अब सर हम क्या कह सकते हैं, अब तो देख सकते हैं लोग आ रहे हैं, लगातार रुक रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है। आपका क्या नाम है? अंकित नाम है। कहाँ रहते हैं आप? हरियाणा में रहता हूँ जी। तो यहाँ रूटीन में ट्रैवल करते हैं या पहली बार हैं? नहीं, हफ्ते में 2 बार ट्रैवल होता है जी। हफ्ते में 2 बार, तो अभी देख रहे हैं नीचे बंद कर दिया गया है, बैरिकेडिंग लगा दी है, बहुत बुरा हाल हो रहा है जी। आंदोलन फिर से शुरू हो रहा है कल से, किसान आंदोलन उसी के लिए। अपना हरियाणा बॉर्डर पर भी हो रहा है जी। बिल्कुल हो रहा है, वहाँ पे बंद नहीं है, बैरिकेड लगा रखे है, आने जा रास्ता जैसे यहाँ बंद है, वहाँ पे बंद नहीं है, अभी आज बंद हो जाएगा, रात को शाम से शायद बंद हो जाएगा। तो क्या कहना चाहते हैं इस आंदोलन? क्या कुछ नहीं जी, गरीबादी प्रेशर होगा जी इसमें, और क्या गरीबादी प्रेशर होगा जी, और क्या फर्क पड़ना है, जो डेली करते हैं वो दुखी होंगे। पिछली बार भी हुई थी परेशानी आंदोलन? बहुत सारी हुई थी जी।
हम तो हरियाणा से बिलोंग करते हैं जी। अच्छा। वही रहते हैं हरियाणा में। कहाँ के रहने? सोनीपत जी। सोनीपत तो सिंघू बॉर्डर पे, तो पूरे वही बात कर रहा हूँ जी, बॉर्डर की बात कर रहा हूँ। पूरा वो अंदर से घूम करके उधर से जाना पड़ता था। ठीक है सर। तो देख सकते हैं आप लोगों से जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, लोग यही कह रहे हैं कि परेशानी का सामना पिछली बार भी किया था, इस बार भी कर रहे हैं, तो इनसे भी बात करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? नहीं बोलेंगे कुछ, ठीक है। तो अब देखना होगा, यहाँ पर तैयारियां तो की जा चुकी हैं, अब इसके बाद क्या देखने को मिलता है। तो किसानों की तरफ से जो चलो दिल्ली मार्च की कॉल दी गई है 13 फरवरी को, उसके मद्देनज़र आपको बता दें दिल्ली के जितने भी जो बॉर्डर हैं, जो उत्तर प्रदेश से लगते हैं चाहे हरियाणा से लगते हैं, वहां पर तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं यहां पर, चाहे फिर वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे CRPF हो, चाहे RAF हो। इसी बीच हमने आपको बताया कि अभी थोड़ी देर पहले जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया है कि संपूर्ण दिल्ली के अंदर धारा 144 जो है उसको लागू कर दिया गया है 12 मार्च तक के लिए। और इसी बीच आपको बता दें गाजीपुर बॉर्डर पर हम मौजूद हैं, और यहाँ पर जो पुलिस पोस्ट है गाजीपुर बॉर्डर की, यहाँ पर हम मौजूद हैं, और तैयारियाँ जो हैं वो इस बार कितनी ज़्यादा की जा रही हैं वो हम आपको यहाँ से दिखाने का प्रयास करेंगे। एक तरफ जो पुलिस पोस्ट है, उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी अस्थायी रूप से जो है अधिक सुरक्षा कर्मियों के यहाँ पर जो है रहने के लिए जो है यहाँ पर वो टेंट लगाए गए हैं, अस्थायी रूप से निर्माण किया गया है। उसके अलावा दूसरी तरफ आप देखेंगे तो तमाम इस समय यहाँ पर आपको गाड़ियाँ, वज्र वाहन जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, राइड कंट्रोल व्हीकल जो है वो यहाँ आपको दिखाई देगा। उसके अलावा और भी इस समय दिल्ली पुलिस की बाकी गाड़ियाँ जो, ताकि किसी भी तरीके की कोई यहाँ पर उत्पात की स्थिति जो है वो यहाँ पर पैदा ना हो सके, उसको लेकर के यहाँ पर बाकी भी गाड़ियाँ जो है दिल्ली पुलिस की, वो आप इस समय देख सकते हैं बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को जो है वो यहाँ पर तैनात किया जा रहा है। पीछे जो है वो आप देखेंगे यहाँ पर वाटर कैनन जो है उसको यहाँ पर जो है वो लगा दिया गया है, ताकि कल जो यहाँ पर ये किसान आंदोलन की जो शुरुआत होने जा रही है उसमें, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर से एंटर करने का प्रयास करेंगे, तो उस समय किसी भी तरीके की कोई यहाँ पर जो है कानून व्यवस्था ना बिगड़े, उसको लेकर के तैयारियाँ जो है वो यहाँ पर की जा रही हैं। इसीलिए अस्थायी रूप से जो है यहाँ पर निर्माण भी किया गया है यहाँ पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया जा सके। बाकी भी चाहे वाटर कैनन हो, चाहे राइड कंट्रोल व्हीकल हो, उनको जो है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया, अधिक संख्या में जो है अलग अलग फोर्सेस के जवान, चाहे फिर वो CRPF हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, या फिर रैपिड एक्शन फोर्स हो, उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। और इस समय अगर बात की जाए, यही विजुअल जो है वो जितने भी बॉर्डर हैं, चाहे फिर वो चिल्ला बॉर्डर हो, चाहे फिर वो सिंघू बॉर्डर हो, चाहे फिर वो पश्चिमी दिल्ली से जुड़ने वाले जो बॉर्डर हैं, चाहे वहाँ, हर जगह से इसी तरह के विजुअल जो है वो सामने आ रहे हैं। इस समय खुद गाजीपुर बॉर्डर में हम मौजूद हैं, जहाँ से हम आपको ये कवरेज दिखा रहे हैं कि कैसे जो किसान आंदोलन जो पहला भी हुआ था, उस समय भी देखने को मिला था कैसे किसान आंदोलन के नाम पर अराजक तत्वों ने कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जो 26 जनवरी को किया था, जो उत्पात मचा था 26 जनवरी के दिन, जिस दिन रिपब्लिक डे होता है, और किस तरीके से जो है शर्मसार यहाँ पर पूरे देश को उस दिन होना पड़ा था पूरी दुनिया के सामने। और कहीं इस बार भी आंदोलन जो ये किया जा रहा है चुनाव से पहले, क्या कहीं इसमें भी अराजक तत्व जो है वो घुस करके इस आंदोलन को कहीं ना कहीं अपनी मंशाओं को साधने का काम ना करें, ये तमाम चीज़ों पर जो है वो नज़र बनाई जा रही है। चाहे फिर वो सोशल मीडिया पर जो तमाम इस समय चीज़ें चल रही है उसको लेकर भी नज़र बनाई जा रही है कि आखिरकार इस आंदोलन को जो अभी सक्रिय किया जा रहा है पुरानी मांगों को लेकर के ही, तो चुनाव से ठीक पहले यहां पर यह आंदोलन करना अपने में कई सारे जो है यहां पर सवाल जो है वो उत्पन्न होते हैं। बहरहाल इसी बीच सुरक्षा बलों की अगर बात की जाए, दिल्ली पुलिस की अगर बात की जाए, तो इस बार तैयारियाँ जो हैं वो उनकी तरफ से काफ़ी की गई हैं, ताकि किसी भी तरीके का खलल ना मचे और कोई भी जो है यहाँ पर कानून को अपने हाथ में ना ले, कहीं भी जो है कोई उत्पात की स्थिति जो है वो यहाँ पर पैदा ना हो।